और नेपाल का जो कॉमन जगह है वो सब कोई जाते हैं, मस्तांग का नाम सुने होंगे। दो 2019 से स्टार्ट किया हूँ राइडिंग करना। बहुत राइडर होंगे तो हमने इन भाई साहब से पूछा भी कि भाई आप ये क्यों लिखा रहे थे। तो सबसे पहले ये मेरा दुकान का चाबी और इसको रखते हैं पॉकेट में। उसके बाद ये मेरा गाड़ी का चाबी, ये OTG पेन ड्राइव, गल्ला का चाबी और ये पेन ड्राइव, और ये मेरा बोया का माइक, इससे हम वीडियो शूट करेंगे, और अंत में ये बटुआ। के बाद फाइनली एक चीज और भूल रहे हैं, वो है हमारा यहाँ पर चार्जर ओप्पो का। तो फिर आते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, हम नाश्ता वास्ता करके अपने शॉप आ गए हैं, और शॉप में क्या क्या सामान घटा हुआ था सारा कुछ हमने लिस्ट बना लिया है, और उसको भी हमने ऑर्डर कर दिया है। और फिलहाल अभी हमारे पास 200 ड्यूक आई हुई है, उसको करना है मॉडिफाई, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन को भी दबा दिए। तो चलिए हम ड्यूक में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्यूक 200 है, और इसको अभी हमको यहाँ पर जो है कि रेडी टू रेस यहाँ पर लिखना है। और हालांकि भाई साहब का कहना था कि यहाँ पर रेडी और यहाँ पर रेस, तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसका जो प्लेट है वो बहुत बड़ा है, और इसके वजह से थोड़ा भद्दा सा भी लुक आ रहा है, और इसके भाग भी जा रहा है यहाँ पर, इसके वजह से ये जो है रेडी यहीं पर ऐड होगा और रेस भी यहीं पर ऐड होगा, तभी जा करके अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अपने सिस्टम पर जो है इसको ऐड करके देखते हैं। ये 350 का है। शॉप का हमने सारा वर्क पूरा कर लिया है, और अभी थोड़ा सा भूख भी लग गया है, तो हम चलते हैं अपने घर और खाना वाना खा करके फिर आते हैं, और देखते हैं फ्रान फ्रेंड क्या कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो चलिए उन लोग से भी आपको हम मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं, और घर में कोई भी नहीं है, घर में बिल्कुल सन्नाटा है, और फिलहाल अभी हम वेट करते हैं, और इसी वेट के दौरान में हम थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं।
फ्रेंड्स इसके आप वाइजर देख पा रहे हैं, इसको ऑनलाइन परचेज किया गया है और इसके आप जो है मोटाई देख पा रहे हैं, ये गेज ये लगभग 2.5 mm के मुझे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा वाइजर है। इसको आप मंगा सकते हैं और इसका प्राइस लगभग 800 के आसपास आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है और मेटल में है और इसका जो इंडिकेटर यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको भी ऑनलाइन परचेज किया गया है। तो फ्रेंड्स सुबह से शाम तक का जो है हमने सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया आपको और अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक भाई आए हुए हैं समीर जी बोल के, तो ये एक राइडर है और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये कहाँ का राइडिंग किए हुए हैं और इन्होंने अभी जो हेलमेट में लिखवाया आपने देखा यहाँ पर, तो ये देख करके ही जो है मुझे सॉरी यहाँ से उल्टा दिख रहा है, हम आपको सीधा में अभी दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देख के ही हमको लगा कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर है राइडर होंगे, तो हमने इन भाई साहब से पूछा भी कि भाई आप ये क्यों लिखा रहे, तो इन्होंने कहा कि राइडर है तो ऐसा लिखवाए। तो कहाँ कहाँ आप मतलब अभी तक टूर कर चुके हैं? मैं 2019 से स्टार्ट किया हूँ राइडिंग करना, बहुत पहले से राइडिंग नहीं किया हूँ चूँकि मेरे और भी ग्रुप में राइडर लोग हैं, तो मैं अभी तक दो जगह जा चुका हूँ, सिक्किम का जितना भी है मोटा मोटी सारा कॉर्नर्स गया हूँ और नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट का कुछ कुछ पार्ट्स टच किया हूँ, अभी पूरा कवर नहीं कर पाया हूँ। और लॉकडाउन के बाद हम लोग का नवंबर या दिसंबर में विचार है कि स्पीति और लद्दाख का जो है ये प्लान हो हम लोग का। लद्दाख जाइएगा तो हमको ज़रूर बोलिएगा क्योंकि हम भी लद्दाख जाने के लिए सोच रहे हैं और फिलहाल फ्रेंड्स हम अभी नेपाल जाने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई को भी बोले हैं नेपाल के लिए, दिसंबर में हम लोगों ने नेपाल का राइड के लिए सोचा है, 25 दिसंबर को ही डेट फिक्स है, तो इनसे जानते हैं कि अगर टाइम मिले तो ये भी हम। हाँ नेपाल, नेपाल भी एक हम लोग का ड्रीम डेस्टिनेशन है और नेपाल का जो कॉमन जगह है वो सब कोई जाते हैं, मस्तांग का नाम सुने होंगे जो वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेल है और एक आपका जो पोखरा है वो सबसे बहुत सुंदर जगह है, ये दोनों जगह का भी डेस्टिनेशन है। फिलहाल अभी हम लोग के प्लान में ये पहले नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि भाई को ज्वाइन करूँ दिसंबर के टूर पे। थैंक यू भाई, थैंक यू।